अयोध्या तनाजे में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर हक के मिल्कियत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों से जारी समाअत आखिरकार हुई मुकम्मल। अदालत उज़्मा ने समाअत मुकम्मल कर फैसले को रखा महफूज। तमाम फरीकों को 3 दिनों के अंदर तहरीरी जवाबात दाखिल करने अदालत ने दिया हुक्म। आज केस से जुड़े पहलुओं पर आपस में माथापच्ची करेंगे बेंच में शामिल जजेस। अगले 1 महीने के अंदर मुल्क के सबसे बड़े तनाजे पर फैसला आने की जताई जा रही उम्मीद। आज अदालत में नहीं बैठेंगे अयोध्या मामले के 5 जज, चैम्बर में बैठकर आपस में मामले पर करेंगे गौर खोज। महाराष्ट्र की इंतखाबी रैली में संघ और हुकूमत पर गरजे MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अखलाक जैसी वारदातों का हवाला देकर बोले ओवैसी, क्या मुल्क में अब खुश है मुसलमान? RSS चीफ मोहन भागवत ने मुल्क में मुसलमानों को कहा था सबसे ज्यादा खुश। और आप अगर कहना चाह रहे हैं कि हम खुश हैं, तो मैं नांदेड़ से आज इस बात का इकरार करता हूं मोहन भगवत के, हाँ हम बहुत खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि अखलाक के घर में घुसकर उसकी 75 साल माँ के सामने अखलाक को मारा और पीटा गया, अखलाक के सामने उसकी बेटी से बेइज्जती की गई, और उसके ही घर में, उसके ही घर के आंगन में उसकी ज़ईफ माँ और उसकी बीवी के सामने अखलाक को मार मार कर शहीद कर दिया। हम खुश हैं। तबरेज जेल में मर गया, मरने की वजह यह थी कि उसके सर की खोपड़ी के 3 टुकड़े हो गए थे। हाँ हम खुश हैं कि हमारी 19 साल बेटी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा वो बेवा हो गई। हम खुश हैं। बताओ कितना खुश है हम? अब तुमको खुशी हो गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुशी का पैमाना है हमारा, और ये लोग बोल रहे हैं कि तुम खुश हो। महाराष्ट्र में BJP की जानिब से वीर सावरकर को भारत रत्न अवार्ड की सिफारिश के वादे पर तेज हुई सियासी तकरार। दिग्गज कांग्रेसी लीडर दिग्विजय सिंह ने की सख्त तनकीद, कहा महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश में शामिल शख्स को BJP देना चाहती है भारत रत्न का एजाज। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। सावरकर को भारत रत्न देने के BJP के वादे पर कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी और समेत ओवैसी ने भी की सख्त तनकीद, का सावरकर के साथ BJP गांधी के कातिल गोडसे को भी भारत रत्न अवार्ड देने की क्यों नहीं करती मांग। पूछा सवाल, गांधी की कत्ल की साजिश में शामिल लोगों को कैसे दिया जा सकता है मुल्क का सबसे बड़ा एजाज। I would like to ask a counter question. Why Mr. Sarvarkar? Why not Mr. Godse? After all, Mr. Sarvarkar was only accused in the assassination of Mahatma Gandhi. Mr. Godse was convicted. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा PMC बैंक घोटाले का मामला। मामले को लेकर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुई अदालत उज़्मा। मुंबई में एहतजाज कर सड़कों पर उतरे हजारों PMC ग्राहक। अपनी गाड़ी कमाई लूटने के सदमे से अब तक 3 ग्राहकों की हुई मौत। PMC बैंक घोटाला मामले को लेकर बैंक ग्राहकों ने किया फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से करेंगे मुलाकात। मामले में मुदाखलत करने मनमोहन सिंह से करेंगे अपील। फौज में भर्ती के लिए भुवनेश्वर गए UP बिहार के तलबा ने रेलवे स्टेशन पर किया हंगामा। पुलिस ने ट्रेन से उतार कर नौजवानों पर बरसाई लाठियां। बगैर टिकट ट्रेन में घुसकर रिजर्व टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों की सीट पर जबरदस्ती कर रहे थे कब्जा। हंगामा कर 4 से 5 बार ट्रेन की चेन खींचने पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। गुजरात के नर्मदा से सामने आई सड़क हादसे की तस्वीर हवा में कई फीट तक उछल कर कई बार पलट गई बेकाबू कार। हादसे में 5 लोग बताए जा रहे हैं शदीद जख्मी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने महाराष्ट्र से एक कुंबा पहुंचा था नर्मदा। CCTV में कैद हुई तस्वीर। मगरबी गोदावरी में एक डिप्लोमा की तालिबा पर सरपरे नौजवान ने धारदार हथियार से किया हमला। शादी से इनकार करने पर गला रेतने की कोशिश। शदीद जख्मी हालत में तालिबा को हॉस्पिटल में किया गया दाखिल। हमले के बाद सरपरे आशिक ने खुद की भी ले ली जान। शाहजहाँपुर रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद की हिरासत में की गई मजीद 14 दिनों की तौसी। अब 30 अक्टूबर को होगी चिन्मयानंद की अगली पेशी। एक लॉग तालिबान ने स्वामी पर लगाया था रेप का इल्जाम। दिल्ली और पास पड़ोस के इलाकों में फैला आलूदगी का जहर खराब से खराब तर होती जा रही है। दारुल हुकूमत की आबो हवा, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया इकदाम। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन फार्मूला नाफिज करने का दिया हुक्म। खिलाफ वर्जी करने पर भरना होगा 4,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने अब अरबी और फारसी मजामीन के खिलाफ छेड़ी मुहिम। UPPCS के इम्तिहान से अरबी और फारसी को किया गया खत्म। UPPCS के 33 मजामीन में शामिल थी अरबी और फारसी।
सिरसी पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर भटकल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिरसी में SDPI और PFI से ताल्लुकात के सबब एक नौजवान को जदोगोप करने पर SDPI जिला सदर तौफीक ने की पुलिस की सख्त मजम्मत। पुलिस को मुतासिब करार देकर फौरी मुअत्तल करने का किया मुतालबा। हमारा डिमांड क्या है कि ऐसे जो कानून को हाथ में लेने वाले पुलिस को इमीडिएट सस्पेंड करना है, और जो उसको खर्चा हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए वो पुलिस CPI ही देना। भटकल मुगलियोंडा इलाके में पेश आई चोरी की वारदात। अहलकाना की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए चोर, घर के साजो सामान को किया उथल पुथल, नहीं हाथ आई कोई कीमती चीज, नकद 15,000 पर हाथ साफ कर हुए फरार। भटकल टाउन पुलिस में शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अंजुमन डिग्री कॉलेज के तलबा का शानदार परफॉर्मेंस। कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ की जानिब से मुनाकिदा तैराकी मुकाबले में मोहम्मद अशफाक, तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अबुल हुसैन मलिक को मिला यूनिवर्सिटी ब्लू का खिताब। अगले महीने पंजाब में होने वाले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए भी मोहम्मद अशफाक का किया गया इंतखाब। प्रिंसिपल और जिम्मेदारान ने दोनों को दी मुबारकबाद। धारवाड़ अज्ञान विकास तरबियती इदारे में मुनाकिदा रीजनल रूरल IIT क्विज मुकाबले में भटकल न्यू शम्स स्कूल के तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी। मुकाबले में चौथा मकाम हासिल कर रोशन किया स्कूल का नाम। कुल 255 स्कूली टीमों ने मुकाबले में लिया था हिस्सा। जिम्मेदारान शम्स ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को दी मुबारकबाद। मंगलूर कस्बा बेंगरे के सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के ट्रांसफर के खिलाफ तलबा ने किया सख्त एहतजाज। 549 तलबा के लिए सिर्फ एक टीचर के होने पर तलबा ने जाहिर की तशवीश। एक साथ 5 मुस्तकिल टीचर्स को ट्रांसफर करने के जारी किए गए अहकाम। 549 तलबा के लिए स्कूल में बचे थे सिर्फ एक टीचर। सऊदी अरब के रियाज में पेश आया अलमनाक सड़क हादसा। बस और ट्रक के दरमियान हुई भयानक टक्कर। हादसे में जहां बाग हुए 35 जायरीन, कुल 39 मुसाफिर बस पर थे सवार। जहां बाग होने वाले तमाम अफराद सऊदीया के एशियाई और अरब ममालिक के थे। खारिजी शहरी।